किस उद्देश्य को लेकर सारी ये कोविड को देखते हुए जो हमारी तैयारियां हैं ग्रामीण स्तर पर निर्देश दिए गए थे कि हम लोग टीकू वार्ड अपने तैयार करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक से रहे कि अगर कोई मरीज आता है तो उसकी व्यवस्था मिले, ऑक्सीजन जनरेटर जैसे यहाँ एक रखना था, साफ सफाई को भी देखना था, तो बहुत सारी चीजों को अग्नि संक्रमण को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें सीएससी भी शामिल थी। तो प्राथमिकता तो इन्हीं की थी, साथ में हमारी विश्व जनसंख्या दिवस चल रहा है उस पर जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसकी समीक्षा है, थोड़ी सी उसकी जानकारी। बहुत मुश्किल और बहुत सख्त समय देखा है, तो हम ये चाह रहे थे कि अभी जो भी अगर आती है कोई संक्रमण की लहर तो उसको डायरी से डिफेंड कर पाए और जो भी कमियां हमारे पिछले संक्रमण के दौरान रह गई है उसको हम लोग। सर पिछले कुछ समय से ये देखने में मिल रहा है कि जो अवैध अस्पताल खुल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होती है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लेकिन 8-10 दिन के अंदर नए नाम से वही अस्पताल फिर संचालित होने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कोशिश यही की जा रही है कि पहले हम लोग उनकी एक बार सूचना इकट्ठा करें, कल हमने कभी जारी की और उस एरिया को हम एक जैसे कहते हैं बड़े एरिया को देखना मुश्किल होता है, छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट के MOICs को जिम्मेदारी देकर ANM को जिम्मेदारी देकर इससे सूचनाएं प्राप्त हुई और इस तरह की अगर कोई भी अगर ऐसा असंवैधानिक या अवैध क्लिनिक खुल रही है तो उसको हम लोग को रखें। बाहर में गंगा देवी अस्पताल पे कार्रवाई की गई थी, वहाँ पे 8 दिन के अंदर ही नवजीवन हॉस्पिटल संचालित होने लगा, वो इसकी अगर आपने जानकारी हमारे पास अभी इसको चेक कराते जैसा भी होगा इसको आपको तुरंत बताया जाएगा और शाम तक जो भी इस तरह की चीजें हैं उसको हम लोग पता करते हैं। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस ये आगरा इसके लिए फेमस है और ये बहुत अधिक संख्या में, तो इनको हम लोग एक विशेष नीति के तहत रोक लगा सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक आप नाम ले लिया और उस नाम पे लेके अगर बंद भी करा दिया तो उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला। कई सारे अस्पताल हाँ, तो जो एक नीति के तहत एक सामूहिक स्वरूप में इसको हम लोग करेंगे और इसको आगरा की जनता को इससे हम लोग ले जाते हैं। पोस्टमार्टम रह के लिए सांसद जी ने 5 लाख रुपए दिए थे, वो आपको प्राप्त हुए या नहीं हुए? अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं इसकी जानकारी जरूर हासिल करूंगा, जिससे कि पोस्टमार्टम हाउस की जो भी अभी मैंने ऊपर से देखा है तो मैंने उसका पहले यहाँ होता था सब। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने नोट भी कराया तो इसको देख के मैं इसको जो भी कार्रवाई करा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।